लूटिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज समाज। यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इमली अनु और मालिनी को खतरनाक सबक सिखाने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि इमली आर्यन से जबरदस्ती फाइट करती है, यहाँ तक कि बेचारे को चोट भी पहुँचा देती है। और ये सब कुछ अर्पिता से देखा नहीं चाहता और वो आग को पार करके इमली को धक्का देके आर्यन को बचाती नजर आती है। फाइनली इमली सबको कहती है कि तू यही तो डर हम खत्म करना चाहते थे, और सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। त्रिपाठी परिवार को तो पहले से ही पता होता कि इमली के ऐसे ही तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर नर्मदा भी उसको धन्यवाद देती है और अर्पिता भी थैंक यू कहती है और उसे माफी मांगती है। तो वही आर्यन डॉक्टर को बुलाता है और आर्यन भी शॉक्ड है। तो वही डॉक्टर कहती है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, बीपी वगैरह कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और ये सब कुछ तो आप यहाँ पर क्या हुआ था मुझे बताएंगे? और उसके बाद ने सब लोग बता दें कि इमली ने ऐसा कुछ किया था। इसके बाद ने अब अर्पिता का पूरा डर खत्म हो चुका है और वो उसे गाड़ी चलाना भी सीखना चाहती है। तो ये देखने को मिलता है कि सुंदर अलग से उसे पूछने के लिए आता है कि अर्पिता कैसी है, और उसके लिए एक धागा भी लेकर आता है जिससे कि वो उसको नज़र से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा, और सुंदर का प्यार साफ नज़र आता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि अनु इन सब का फ़ायदा उठाकर मालिनी को कहती है कि तुम मेरे फ़ोन पे फ़ोन करो, और तुम जब वो आदित्य से इमली बात करेगी तो हमें पता चल जाएगा। और वो अपना फ़ोन ऑन करके छोड़ जाती है उसी कमरे में। उसी तरफ देखने को मिलता है कि इमली अपने आंसू छुपाते नज़र आती है और ऐसे एरिया में जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता, और वो रो ही रही होती है। लेकिन वहाँ पर पहले से आर्यन की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और आर्यन अपने आंसू छुपाते नजर आता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और दोनों यहाँ पर इमली कहती है, इमली से आर्यन माफ़ी मांगता है कि तुम मैंने जो बदतमीजी करी है उसके लिए और मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, और बहुत ही मुश्किल से उसे माफ़ी मांगता है। तो साथ में ही इमली कहती है कि कभी कभी अपने आंसू छुपाने नहीं चाहिए, तुम भी तो इंसान हो, इंसान को भी तो दर्द होता है, और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तो साथ में अर्पिता के लिए कहती है कि मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने तो हमारा डर खत्म करने के लिए हमारे साथ यही तरीका अपनाया था, हमने तो वही अपनाया है। तो उसको भी थैंक यू बोलकर चली जाती है और आदित्य को कॉल लगाती है, लेकिन आर्यन उसके पीछे पीछे जाता है। तो अब मिट्टी को वो इनडायरेक्टली ऊँट कह, यहाँ पर आदित्य को ऊँट कह के पुकार कर उससे की कोड लैंग्वेज में बात करती है, क्योंकि आर्यन को पसंद नहीं कि वो आदित्य के बारे में कुछ भी पूछे। तो ये सब कुछ बातें अनूर मालिनी सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये ऊँट के बारे में क्यों बात कर रही है। और देखने को मिलता है कि आर्यन कहता है अभी फ़ोन रखो और जल्दी से कल ऑफिस जाना है। उसके बाद ने इमली फ़ोन तो रख देती है और आदित्य के बारे में माँ मिट्टी कहती है हाँ वो ठीक है और यहीं पर सो रहे हैं, जिसके बाद ने इमली को तसल्ली हो जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उसे पता चल जाता है, उसका हाथ मोबाइल पर रख चला जाता है और मोबाइल उससे पता चल जाता है कि अनूर मालिनी ने ऐसा कुछ किया होगा, और वो उन्हें डराते नजर आती है कि काला जादू काला साया, और अनु और मालिनी बुरी तरह से डर जाते हैं। उनको अच्छा खासा सबक इमली सिखाते नजर आएगी।